राधे राधे। आज पितृ विसर्जन अमावस्या है, सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं सो के उठी हूँ। अब मैं सारा काम करके झाड़ू पोछा करके उसके बाद नहा के और फिर भोग बनाऊंगी। मैं नहा धो के फ्री हो गई। अब मैंने एक तरफ खीर चढ़ाई है, मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दी है, ये मेरी खीर बन रही है। और एक तरफ मैं पूड़ी तल रही हूँ, मैंने आटा वाटा लगा रखा है सब कुछ। और एक तरफ मैं पूड़ी तल रही हूँ, कुछ पूड़ियाँ मैंने सेक भी ली हैं। आज मेरे यहाँ कभी कौवा नहीं आता, आज मेरी छत पर कौवा बहुत देर से काँव काँव कर रहा है। आप भी आवाज़ सुन सकते हो। आ रही है ना आवाज़ कौवे की। ये मैंने 16 जगह दो दो पूड़ियाँ रखे, इस पर खीर रखे। और ये पहले कौवे का डालूंगी, कुत्ते को डालूंगी और फिर बाकी सारी गाय को दे दूंगी। ये हम लोगों ने अपने लिए सेक के रख लिया है। तो हमारी खीर भी लगभग तैयारी हो गई है, थोड़ी और गाढ़ी हो जाए उसके बाद हम इसमें मीठा डाल देंगे और खीर हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अभी 10-15 मिनट का टाइम और लगेगा। मेरे हस्बैंड खाटू श्याम जी गए हैं ताबड़ू में, तब तक वो आ जाएंगे। जब तक खीर बनेगी उसके बाद वही जेंट्स करते हैं ये पूजा, उसके बाद वही ये भोग लगा देंगे। पितरों को लगाएंगे पहले, उसके बाद कुत्ते को, गाय को और कौओं को डाल देंगे। हमारे पितृपक्ष जो है आएंगे और भोग स्वीकार करेंगे। वैसे मेरे ससुर का श्राद्ध नौमी वाले दिन होता है, लेकिन मेरे ताऊ जी ताऊ ससुर खत्म हो गए हैं, इसलिए उनका श्राद्ध हुआ नहीं है। और मैं पितृ आज अमावस्या है, आज मैं सारे पितरों को दे दूंगी, अमावस कर दूंगी। आज मेरी सारी पूड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अब एक एक पत्ते पे मैं 5 जगह पूड़ियाँ रखूंगी, इनमें सब मैं खीर लगा लगा के रखूंगी। ये सारी खीर और ये गाय को दूंगी, इसलिए इस तरह से मैं दो दो पूड़ियाँ और थोड़ी थोड़ी खीर लगा के 16 जगह करूँगी। मैं बना लूँ सारी, उसके बाद दिखाती हूँ। इस तरह से मैं दो दो पूड़ियों पे थोड़ी थोड़ी खीर लगा के 16 जगह, क्योंकि श्राद्ध के 16 दिन होते हैं, इसे 16 जगह अपने पितरों को दूँगी। अब 5 जगह में ये तोरई के पत्ते हैं, तोरई के पत्ते पे रखे दूंगी, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो रखे तो 16 ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे तोरई के पत्ते मिलते नहीं हैं, इसलिए तोरई के पत्ते 5 ही मिले मुझे। ये मैंने पूरा खाना तैयार कर दिया है, अब इसको ऐसे रख दूंगी। तो और ये मेरा जल है, ये जल है, और इसमें मैंने अग्नि प्रज्वलित कर दी है थोड़ी सी, इसमें भोग लगाया जाएगा। और ये घी है, 3 बार आहुति दी जाएगी घी की, उसके बाद भोग। ये काम मेरे हस्बैंड करेंगे, मेरा काम था बनाना, मैंने बना के तैयारी सारी पूरी कर दी है। अब वो आएंगे तब। ये पूड़ी कौओं को लिए अर्पित करके ऊपर रख गए, जल चढ़ा गए। बाकी खाना गाय और कुत्ते को दे दिया है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।